फ्रेंड, मैं आपको बिग न्यूज़ देने वाला हूँ जो अतिथि शिक्षक से संबंधित है। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से डाउनलोड करते हैं तथा याद से कैसे बचते हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से डाउनलोड करते हैं, क्योंकि कुछ भाई बहुत परेशान थे कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से डाउनलोड किया जाए, कैसे डाउनलोड किया जाए, इन सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर सर्च करना है, जैसे ही आप गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम को सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरीके की वीडियो या विंडो ओपन हो जाती है। जैसे ही ये विंडो ओपन होती है तो आपको राइट में एक मेनू दिखाई दे रहा होगा। इस मेनू को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो पर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो आपके सामने प्लेस लॉगिन विंडो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों, इस विंडो में आपको यूजर नेम डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है इस तरीके से। पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। दोस्तों, जब ये प्रोफाइल ओपन हो जाती है तो आपके सामने इस तरीके की विंडो में चेक स्टेटस, EKYC, अपडेट क्वालिफिकेशन, वोकेशनल सर्टिफिकेट, प्रिंट एप्लीकेशन, अनलॉक एप्लीकेशन ऑप्शन दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ ना जाकर सीधा आपको इस कैप्चर को खोलना है। जैसे ही हम इधर खोलते हैं तो आपके सामने अन्य प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस ऑप्शन में जाकर लॉगिन करना है। जैसे ही हम इसमें लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक्सपीरियंस क्लेम ऑप्शन ओपन होता है। दोस्तों, तो जैसे ही एक्सपीरियंस क्लेम ओपन करते हैं तो उसमें पहला ऑप्शन आपका दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन क्लेम, दूसरा रिमूव डिफ़ॉल्ट क्लेम, प्रिंट एक्सपीरियंस क्लेम। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन क्लेम पर जाते हैं तो इस तरीके की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाना है, उधर गेस्ट आईडी लिखना है, DOB लिखना है, अकेडमी ईयर लिखना है और एक कैप्चर कोड डालना है। जैसे ही आप इस कैप्चर कोड को फिल करेंगे तो आपके सामने एक विंडो और ओपन हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो आपके सामने ईयर बाई ईयर एक्सपीरियंस आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने कैप्चर भर लिया है। जैसे ही इंटर करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है पहले से ही, इसलिए इसमें सीधा हम प्रिंट ऑप्शन पर जाते हैं। दोस्तों, इधर एक कैप्चर कोड आपको भरना है। जैसे ही इस कैप्चर कोड को भरते हैं तो आपके सामने आपके गेस्ट सर्टिफिकेट ओपन हो जाएंगे। जैसे ही मैंने फिल कर लिया कैप्चर कोड, देखते हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपके ऑल रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस के लिए हम फॉर्म दिखाई दे रहे होंगे। जी, आपका जैसे 15-16-17 एक्सपीरियंस इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का आपका अनुभव प्रमाण पत्र दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। यदि अतिथि शिक्षक भाइयों की कोई भी समस्या है तो वो dpiatithi@gmail.com पर जाकर या dpiatithi@gmail.com पर जाकर अपना मैसेज कर सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अतिथि शिक्षक भाइयों का किन्हीं का मोबाइल नंबर बंद पड़ा है या मोबाइल नंबर खो गया है, तो मुझे मोबाइल नंबर यदि चेंज कराना है तो वे इस ऑप्शन पर जा सकते हैं और अपना मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।